नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। आप देख रहे हैं गुड्डू सिंह का पन्ना। अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो कुछ आप अच्छा बुरा इसमें महसूस कर सकें उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हमारे साथ आज एक नए मेहमान है, तबरेज खान साहब। ये जदयू की अल्पसंख्यक इकाई के दक्षिण बिहार के महासचिव हैं और बहुत ही सक्रिय रहे हैं राजनीति में। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पंचायत चुनाव में भी इनकी रुचि है और इन्होंने अभी सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे यह घोषणा की है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो हम जानना चाहते हैं कि चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं और क्या योजना है, क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या कार्य योजना है, ये तमाम हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पंचायत चुनाव के प्रति क्या आपका नज़रिया है, आपने क्या सोचा है? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पंचायत चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। मह्वामा पंचायत दक्षिण है, 12 संख्या है और 4-5 ठो गांव यहाँ पे है। मलियाचक हुआ और प्राणपुर हुआ, मह्वामा, हमजापुर, वारिस नगर, ये सब मोहल्ला है, गांव है, यहाँ का समस्या है, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत समस्या ये है कि यहाँ पे क्या कार्य योजना क्या है, आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? जी मैं काम करूँगा, विद्यापीठ यहाँ पे समस्या बहुत बड़ा है, जो लोगों को मिलना चाहिए वहाँ थोड़ा सा वंचित हैं, लोग को नहीं मिला है। वो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी कि विद्यापीठ लोगों को सबको मिले और राशन कार्ड लोगों को, अभी कम से 40% लोगों को राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड जो गरीब हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, मह्वामा के हों, मलियाचक के हों, प्राणपुर के हों, हमजापुर के हों, इन लोगों को मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करके लोगों का मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा, बनवाऊंगा और बनवा के लोगों का मैं अपने डायरी में लिख कर रखा हूँ कि कौन कौन काम करना है। विद्यापीठ का काम कराएंगे, यहाँ पे अभी पीएचडी का काम हुआ है, नल जल योजना का, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। दिक्कत ये हुआ कि 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, लोगों को पानी के नाम पर, टंकी के नाम पर घर पे पानी नहीं, पाइप नहीं पहुंचा है, टंकी नीचा है और मोटर ख़राब है तो पानी नहीं पहुंच सक रहा है। वो सब काम देखेंगे हम एकदम अपना ईमानदारी से। लोगों ने हमको मौका दिया, यहाँ के पंचायत के लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम इंशाल्लाह ये वाला ये काम करेंगे। और पहला और दूसरा तीसरा काम ये है कि बिजली का समस्या है, यहाँ तार बहुत जर्जर है, यहाँ की स्थिति तार जो है बिजली का बहुत जर्जर स्थिति है, उसको देख के काम कराएंगे तार का। लाइट कभी भक होती है, भूख होती है, कभी लाइट चली जाती है और पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, सब लोग हैं, समिति भी है यहाँ, जीते हुए भी हैं, मुखिया भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं है लोगों को। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए ईमानदारी से। बहुत से यहाँ से हमजापुर से लेकर मलियाचक, प्राणपुर, छत पे 11,000 का तार छत पे एकदम सट के गया हुआ है। कोशिश करेंगे कि वो तार रोड से जाए। पहले छोटी आबादी थी इसलिए घर मकान नहीं था, आज घर मकान बन गया है। 5 ठो 7 ठो 5 साल में 7 आदमी डेड कर चुके हैं। बहुत सा तो इसमें मतलब सरकारी मतलब रिकॉर्ड में नहीं है ये कि कितने आदमी, कोई लेबर बेचारा गरीब आदमी घर से आया काम करने के लिए, वो तार से गिरा मर गया। यहाँ छत पे लोग, बच्चे नहीं चढ़ रहे हैं, औरत नहीं चढ़ रही, कपड़ा नहीं सुखा सक रही है, बहुत बड़ा समस्या है। नाली की समस्या यहाँ पे, हम तो अपने पंचायत में घूमते हैं, नाली ऐसा स्थिति है कि रास्ते पे नाली है, घर में ही पानी घर का रख रहा लोग, उसका नाली का, गली का, रोड का, इस बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं ईमानदारी से, हमारे पंचायत के लोग ईमानदारी से मदद करेंगे और आशीर्वाद देंगे तो इंशाल्लाह हम इनका काम मतलब फुल ईमानदारी से करें। तो आपने पूरी अपनी कार्य योजना बता दी, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन,
बिजली की समस्या, ये तमाम कार्य योजना आपके जहन में है, और आप क्या पहले कभी अनुभव है आपको चुनाव लड़ने का? जी, इससे पहले मैं चुनाव लड़ा था, कुछ वोट से हार गया था, और इंशाल्लाह अब और उम्मीद है कि पूरा लोगों का, पंचायत के लोगों का पूरा अपार मेरे समर्थन मिल रहा है, और पहले से भी मैं राजनीति में हूँ और इसके लिए मैं सक्षम हूँ। BDO साहब से या SDO साहब से जिनसे हो सकेगा, मैं जनता को लेकर नहीं होगा, जनता को लेकर जाऊंगा और काम कराऊंगा। तो यह थे हमारे साथ तबरेज साहब। अभी पंचायत की चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तमाम जगह पे लोग सामने आ रहे हैं जो दावेदार हैं। हालांकि अभी तक कोई नामांकन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी बात कह रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।